नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 17 जुलाई 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक एक करके सभी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली अपडेट है, एक नोटिफिकेशन निकल कर आया है डीएलएड के संदर्भ में। कल 16/7/2021 को जारी किया गया था, जिसमें उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान हरचंद्रपुर जिला एटा की तरफ से ये जितने भी वहां पर निजी डीएलएड संस्थान है जनपद एटा एवं कासगंज के, उनको संबोधित करते हुए लिखा गया है। विषय इसका है कि डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 तृतीय सेमेस्टर के जो आंतरिक मूल्यांकन के अंक हैं वो ऑफलाइन प्राप्त कराने के संदर्भ में। इसमें लिखा है कि महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि कोविड-19 के कारण डीएलएड 2019 तृतीय सेमेस्टर के जो परीक्षार्थी हैं उनको कक्षा उन्नति की संभावना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो प्रमोट को लेकर लगातार बात की गई है उसकी संभावना की बात की गई है, यानी कहा गया है कि हो जाएगा, उसकी संभावना को देखते हुए डीएलएड 2019 तृतीय सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के अंक ऑफलाइन एक सप्ताह के अंदर जो है वो कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। और बाकी नीचे साइन और वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की, तो कोविड रोधी किट के साथ अभ्यर्थी देंगे बीएड की प्रवेश परीक्षा। विद्यार्थी 28 जुलाई तक डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। 30 जुलाई को प्रस्तावित है परीक्षा, बीएड प्रवेश परीक्षा जो है उससे पहले कोरोना रोधी टीके लगवा ले अभ्यर्थी, इस टाइप से भी इसमें लिखा है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि विद्यार्थी अच्छी तरीके से दिशा निर्देशों के रखें उनको भी जरूर पढ़ लें। और इसके अंतर्गत लिखा है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कोविड रोधी किट जो है वो दी जाएगी। इस किट का यूज जो अभ्यर्थी है वो स्वयं को सुरक्षित जो है वो रख सकेंगे। रामपुर जो है वहां से न्यूज जो है वो प्रकाशित हुई है, बाकी अलग अलग संख्या दे रखी है। और बीएड परीक्षा ना सिर्फ सफल बल्कि सुरक्षित भी होगी, इस टाइप से भी यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट न्यूज जो मैंने ऊपर बताई कि बीएड प्रवेश परीक्षा से पहले टीका लगवा लें अभ्यर्थी, इसमें लिखा है कि 30 जुलाई को प्रस्तावित है लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा में, लखनऊ से न्यूज प्रकाशित हुई है, प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को कोरोना रोधी टीका लगवाने के निर्देश दिए हैं और उधर परीक्षा की तैयारी जो है अंतिम चरणों में है। नेक्स्ट न्यूज आपकी है, स्टाफ नर्स के 3012 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। तो जो भी इससे संबंधित है उनके लिए अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन जो है इसके शुरू होंगे। यूपीपीएससी के कैलेंडर जो है उसमें परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। कोविड काल में हजारों संख्या में स्टाफ नर्स की भर्ती की महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आयोग की ओर से जारी जो विज्ञापन है उसके अनुसार आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 16 जुलाई, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, यूपी बोर्ड के रोल नंबर अब स्कूलों से भी मिलेंगे। लखनऊ से न्यूज प्रकाशित हुई है, यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और 12 के छात्रों को रोल नंबर अब स्कूलों के माध्यम से भी दिए जाएंगे। बोर्ड ने स्कूलों को रोल नंबर उपलब्ध करा दिए हैं। पहले बोर्ड ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर सीधे छात्रों को रोल नंबर देने की व्यवस्था की थी, लेकिन लोड के चलते 2 दिन में वेबसाइट क्रैश हो जाने से व्यवस्था जो है वो ठप हो गई थी और इसीलिए जो है ये कदम उठाया गया। नेक्स्ट न्यूज है, राज्य कृषि सेवा परीक्षा 1 अगस्त को प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है। 564 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, इसी के संदर्भ में जो है यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट न्यूज है, परिणाम के खिलाफ 1.90 लाख छात्रों ने ट्वीट किया। एसएससी की ओर से मेधावियों के खिलाफ अन्याय को लेकर 15 जुलाई को ट्विटर अभियान चला था, उसी के बारे में यहाँ पर जो है वो लिखा है, एसएससी जो परीक्षाएं उनको लेकर। नेक्स्ट न्यूज है, 6,696 चयनित जो है उन्होंने मांगा नियुक्ति पत्र। प्रसिद्धीय स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती जो है उसकी तीसरी सूची में चयनित जो शिक्षक हैं उन्होंने नियुक्ति की मांग को लेकर शुक्रवार को स्थानीय सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी और प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह उनके प्रतिनिधियों को मांग पत्र सौंपा है। प्रयागराज से ये न्यूज प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट भी न्यूज आपकी सेम इसी टॉपिक पर है और इसमें भी वही सारी चीजें लिखा है, जिला अधिकारी और बेसिक शिक्षा परिषद जो है कार्यालय को सौंपा मांग पत्र। नेक्स्ट न्यूज है कि बीटेक एमटेक पास जो युवती हैं उन्होंने भी किया आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो है उसके लिए आवेदन। बेरोजगारी से परेशान जो युवा हैं उनको मजबूरी का आलम यह है कि इसमें लिखा, उसी के संदर्भ में लिखा है कि 923 पदों के सापेक्ष आखिरी दिन तक आए ऑनलाइन 18,000 आवेदन। 1 हफ्ते रजिस्टर्ड डाक से आए आवेदन पत्रों को जो है वो करेंगे स्वीकार। इसी में लिखा है कि शैक्षिक योग्यता 10 मांगी गई थी, मानदेय इसका 5,500 रुपए है, जबकि सहायिका के लिए कक्षा 8 योग्यता और 2,500 रुपए मानदेय है। जिले में कुल 923 पदों का विज्ञापन हुआ था। आखिरी दिन जब आवेदन आए तो जांच शुरू हुई तो उसमें काफी
बड़े बड़े डिग्री धारक जो है उन्होंने भी इसमें आवेदन किया है। देखते हैं हमारी अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि छात्रवृत्ति परीक्षा में 7 बच्चे सफल। ग्रामीण इलाके जो है उसके उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उन्होंने कोरोना काल में पाई बड़ी सफलता, इस टाइप से न्यूज प्रकाशित हुई है। इसमें ही लिखा हुआ है कि अलग अलग नाम जिन्होंने जितने अंक हासिल किए उनके बारे में, और न्यूज प्रयागराज से प्रकाशित हुई है। यही तो हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इस प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।